किस तरह से अपबीट मूड उनका और आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो जाहिर तौर पर सेलिब्रेट करें, क्योंकि हम ट्रेंड्स आपको दिखा रहे हैं जिसमें से 79 ओ माय गॉड 79 सीट्स पर लीड करते हुए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर लीड करते हुए, श्रोमणि अकाली दल 11 सीटों पर लीड करते हुए। तो 79 अभी थोड़ी देर पहले जब आम आदमी पार्टी के वर्कर ये कह रहे थे 80 प्लस मिशन, तो शायद बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ होगा, कई लोग हंसे होंगे, लेकिन इस वक्त जो लीड्स है वो दिखा रही है कि तेजी से ये 80 प्लस मिशन जिसकी बात आम आदमी पार्टी कर रही थी वो इस वक्त 79 पर लीड कर रही है। पंजाब के रुझानों में आम आदमी पार्टी को 2/3 बहुमत दिखाई दे रहा है, ये रुझान है, फाइनल रिजल्ट्स नहीं है। आम आदमी पार्टी 79 सीट्स पर फिलहाल लीड करते हुए, इन ट्रेंड्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी 80 प्लस मिशन की बात उसके वर्कर कर रहे थे, कम से कम उस मिशन की तरफ तेजी से बढ़ते हुए सिर्फ एक सीट दूर आप कह सकते हैं। और ये तस्वीर लगातार चेंज हो रही है, कांग्रेस सिमट रही है, श्रोमणी अकाली दल सिमट रहा है, और अगर किसी की टैली लगातार बढ़ रही है तो गेन कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी। एक तरफा कॉन्टेस्ट कम से कम इंट्रेंस के मुताबिक फिलहाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब की असेंबली को बना दिया है, इन इलेक्शन को बना दिया है, जहां पर कांग्रेस हो श्रोमणि अकाली दल हो, जरा सोचने वाली बात है। जब आप ये नंबर्स देख रहे हैं तो इस बात को समझिए कि पंजाब में कभी मुकाबला कांग्रेस पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के बीच हुआ करता था, लेकिन इस बार जो टक्कर दी है वो आम आदमी पार्टी ने, जिसे बदलाव झाड़ू, और साथ ही ये कहा जा रहा था कि जनता निकली है बदलाव के लिए, जनता विद्रोह के मूड में है, जनता विरोध के मूड में है, वो परिवारवाद पर चोट करना चाहती है, वो कैपिटलिस्ट पर चोट करना चाहती है। और ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि ये दावे एक्सपर्ट्स द्वारा क्यों किए जा रहे थे, क्योंकि इस वक्त अगर ट्रेंड्स की बात की जाए, आप जी न्यूज पर 117 सीटों का ट्रेंड इस वक्त देख रहे हैं, 117 मेंबर्स की असेंबली है जिसमें 79 सीट्स पर फिलहाल आम आदमी पार्टी लीड करते हुए आपको दिखाई दे रही है। राजीव, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी लगातार लीड जो है अपनी बढ़ाती चली जा रही है, 79 पर 79 पर पहुंच गए, जबकि कांग्रेस पार्टी 20 पर है, शिरोमणि अकाली दल 11 पर इस वक्त है, बीजेपी 7 पर है, अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं, शून्य है। इंटरेस्टिंग आम आदमी पार्टी की जो है वो लड़ाई देखने को मिली, और जो एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इतना ला सकती है, रुझानों में नजर आ रहा है, और यही वजह है कि जश्न का मौका रुझानों में ही मिल गया। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जिस तरह से वहां मिठाइयां बन रही थी, सुबह से जलेबियां बन रही थी, फूलों से घरों को सजाया जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी निश्चिंत है कि वो जीतेगी, और अब रुझानों में ऐसा नजर आ रहा है, रुझानों में तो कम से कम पार्टी बहुत ऊपर है, क्लियर मेजॉरिटी और उससे कहीं ज्यादा, और अब झूम झूम रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। तो तस्वीरें हम सेलिब्रेशन की दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, राम भी लगातार हमारे साथ हैं, और ये F1 ट्रैक बुद्धा साथ आपको याद